सोमवार की शाम ग्राम टेंडा में दो सगे भाइयों की गौशाला में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की चपेट में आने से 8 मवेशी जलकर राख हो गई। इस घटना में गौशाला भी पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ गई है। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल विभाग के कर्मचारी घटना स्थल पहुंचे, जिसके बाद विभाग के दो वाहनों में तैनात कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले में पीड़ित प्रेम सिंह ने बताया कि इस अग्निकांड में दोनों भाइयों के 8 मवेशियों की जलकर मौत हो गई है, जिसमें से एक भैंस, 4 गायों के अलावा 3 बछिया आग की भेंट चढ़ गई। वहीं अब पीड़ितों ने शासन एवं प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है। इस मामले में फायर स्टेशन प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि अग्निकांड के कारणों की जांच की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों को अवगत कराने की बात कही है। सर, इसका हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है, आखिर कैसे घटना हुई है। 8 मवेशी थे मेरे पास, में सब जल के राख हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचे। अब ये पता लगा कि जैसे यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया तो जितनी देर में हम यहाँ पर पहुँचते थे इतनी देर में सब कुछ तबाह हो गया था, कोई मौका नहीं मिला किसी जानवर को बचाने का। 8 मवेशी थे मेरे इसमें, जिसमें कि 4 गाय थे, 3 बच्चे थे उनके, एक भैंस, जिसमें से 2 गाय एक भैंस भी आने वाली थी मेरी अभी। मैं प्रशासन से निवेदन है मेरा कि उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। ब्रिगेड की गाड़ी हाँ आधा पौन घंटा समथिंग लेट आई है, जब मैंने कॉल किया था उनको तो इतना टाइम लिया उन्होंने आने में। शायद हो सकता थोड़ा G20 की वजह से, इसकी वजह से भी लेट हो सकता। मुझे लगभग 9-8 जानवर मरे हैं और झोपड़ी जल गई उनकी गौशाला पूरी, और जैसे हमें सूचना मिली थी 112 से, तो हमने पहले अपनी एक गाड़ी भेजी, उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ G20 में थी तो उसे भी मंगा लिया है, तो अब दूसरी गाड़ी भी पहुँच गई है, तो ये इनका काफ़ी नुकसान हो गया है ज़्यादातर। ग्राम टेड़ा में रहने वाले आनंद सिंह और प्रेम सिंह की गौशाला में अचानक आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अग्निकांड में दोनों भाइयों के 8 जानवर जलकर बुरी तरह राख हो गए, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। फायर कर्मियों का कहना है कि फायर ब्रिगेड के 2 वाहनों द्वारा मौके पर रवाना किया गया, जिसके बाद गौशाला में लगी आग पर काबू पाया गया। वहीं दोनों भाइयों ने बताया कि उनके 3 जानवर जो ब्याने वाले थे वो भी आग की चपेट में चढ़कर पूरी तरह राख हो गए। उन्होंने शासन और प्रशासन से उचित मुआवजा देने की मांग की है। वहीं दमकल विभाग के अधिकारी भी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।